हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। तो इस संडे हम आपके लिए लाए हैं एक वेजिटेबल दलिया रेसिपी। काफ़ी हेल्दी और काफ़ी न्यूट्रिशियस है ये। तो जल्दी से रेसिपी देखते हैं और बाद में कुछ ज़रूरी बात डिस्कस करते हैं। तो इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया हुआ है दलिया, ये ऑलमोस्ट हाफ कटोरी दलिया है। साथ में हमने लिया है घी, बिकॉज सारे प्रोसेस में हम घी यूज़ करेंगे। वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइस की ले सकते हो। हमने यहाँ पे ली हुई है ग्रीन कैप्सिकम, टोमेटो लिया हुआ है, कैरेट ली हुई है, थोड़े पीज लिए हुए हैं। जो आपको पसंद हो आप वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। मसालों में हमने लिया है नमक, हल्दी, जीरा, हींग और थोड़ी सी काली मिर्च, और इसके अलावा बस हम यूज़ करेंगे पानी। तो आइए अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने कुकर को गर्म होने रख दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच घी, क्योंकि हम कम क्वांटिटी बना रहे हैं, बच्चे के लिए ही बना रहे हैं, तो ज़्यादा हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कोशिश करें कि बच्चों के लिए खाना आप घी में ही बनाएं, तो वो और बेनिफिशियल होता है। अब हम इसमें डाल देंगे दलिया और उसके बाद हम इसको कर लेंगे रोस्ट। आपको पता चल जाएगा कि रोस्टिंग कंप्लीट हो गई है जब खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और दलिये का कलर भी जो है वो ब्राउनिश, गोल्डन ब्राउनिश की तरफ चेंज हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हमारा दलिया अब भुन चुका है। ये पूरा प्रोसेस हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे ही किया था, तो इससे ज़रूरी है कि आप देखें कि ये नीचे नहीं लगे, इसलिए आपको लो फ्लेम ही रखना बेटर है। और मैं आपको दिखाती हूँ, अब हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। जैसे कि आप देख सकते हो, अच्छा खासा गोल्डन ब्राउन कलर जो है दलिये का आ गया है। तो अब हमने उसी कुकर को एक बार पानी से थोड़ा सा अंदर से क्लीन कर लिया। जब वो सूख गया तो अब हम इसमें फिर से घी डाल देंगे। ये छोटे टीस्पून्स हम यहाँ पे डाल रहे हैं और ये 3 टीस्पून हमने घी यहाँ पे डाल दिया है। अब जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ये है बेसिकली आपकी सब्जियों को सौते करने का प्रोसेस। तो आइए सबसे पहले डाल लेते हैं जीरा। जीरा बहुत अच्छा डाइजेस्टिव होता है। बच्चों को आप जितना खाने में जीरा दे सकें उतना ही अच्छा होता है उनके पेट के लिए भी। तो यहाँ पे हमने जीरा डाल लिया एक अच्छी क्वांटिटी में और थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। बस ध्यान रखिए जीरे को आप काला ना होने दीजिए। अब हम यहाँ पर साथ साथ सब्ज़ियाँ भी डाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने डाली गाजर, फिर हमने डाली अपनी शिमला मिर्च, उसके बाद हमने डाल लिए मटर। अब इसको एक बार भून लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे हींग। हींग भी अगेन बहुत अच्छा डाइजेस्टिव है, इसलिए हम बच्चों को दे रहे हैं। 1 से 2 मिनट आप अपनी सब्जियों को सौते कर सकते हैं, आपको दिखने भी लग जाएगा कि कब वो तैयार हो रही हैं। उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए टमाटर। अभी भी हमारी जो गैस है वो लो फ्लेम पे ही है, ये सारा प्रोसेस हम लो पे ही कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बेटर ये है कि चीज़ें जले नहीं, तो उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो आप देख सकते हो ऑलरेडी कितना कलरफुल लग रहा है ये। और बच्चों की डाइट में कलर ऐड करना बहुत ज़रूरी है, तो जितने अलग अलग कलर्स के आप वेजिटेबल्स डाल सको उतना ही उनके लिए हेल्दी और बेनिफिशियल रहता है, और एक ही मील में उन्हें काफ़ी सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो टमाटर ऐड करने के बाद भी 2-3 मिनट हमने इसको सौते किया। अब हम अपने बाकी मसाले डाल लेते हैं। बहुत सिंपल मसाले हम यहाँ पे डाल रहे हैं, जैसे कि हमने हल्दी डाल दिया विच इज़ अ ग्रेट एंटीसेप्टिक। उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे सॉल्ट, अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो आप सॉल्ट मत डालिए। और हम यहाँ डाल देंगे काला नमक, ब्लैक पेपर भी बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। आप चाहें तो आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, बट हम अभी नहीं डाल रहे हैं। उसके बाद फिर से इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और फिर से इसको सौते कर लेंगे। ये देखिए अब हमारी सब्जियां जो हैं वो सारी भुन चुकी हैं अच्छी तरीके से। तो अब हम इसमें जो दलिया हमने भुना था वो डाल देंगे। तो ये देखिए हमने सारा दलिया डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको भी। गैस का फ्लेम अभी भी बिल्कुल लो पे है। अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 मिनट हम दलिये को भी भुनेंगे ताकि अच्छे से सारी वेजिटेबल्स के साथ, मसालों के साथ वो मिक्स हो जाए। बस मेन ध्यान ये रखना है कि ये नीचे ना लगे, जिसके लिए आप ये कड़छी जो है इसको चलाते रहिए, तो ये नीचे नहीं लगेगा। और गैस के फ्लेम को एडजस्ट करके रखिए।
अब हम इसमें डाल रहे हैं पानी, तो हमने क्योंकि आधी कटोरी दलिया लिया था तो हम एक कटोरी पानी डाल रहे हैं। पानी का जो प्रमोशन है वो आप टोटली अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंगली रख सकते हो। कुछ बच्चे बिल्कुल सूपी खाना पसंद करते हैं, कुछ थोड़ा गाढ़ा खाना पसंद करते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो बस अब हम कुकर को कर देंगे बंद और इसको सीटियां देंगे ताकि ये हमारी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी तक आ जाए। तो आइए अब इसको खोल के देखते हैं कुकर को। इसमें बेसिकली हमने 3 सीटियां दी हाई पे, उसके बाद हमने स्लो पे 2 मिनट के लिए छोड़ दिया। तो आइए अब इसको खोल के देखते हैं। स्टीम निकल चुकी है और आप देख सकते हैं कि ये आपका दलिया है और ये इसकी कंसिस्टेंसी है। इसको अब हम एक बोल में डाल लेंगे। तो देखो, जैसे आपका बच्चा खाना प्रेफर करता है आप उसके अकॉर्डिंगली इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हो। आप इसे और सुखा सकते हो, या फिर आपको लगता है कि इसे पतला करना है तो आप इसमें बॉइल्ड वाटर डालो और फिर थोड़ा सा आप इसको और बॉइल कर लो, उससे ये बिल्कुल सूपी सूपी हो जाएगा। तो ये देखिए, हम इसे बोल में डाल लेते हैं। ये देखिए, हमने इस पर थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल लिया है। कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल ठीक लग रही है, सॉफ्ट है ये बच्चों के खाने के लिए। तो आप इसको ऐसे ही खिला सकते हो या फिर आप इसको दही के साथ भी दे सकते हो, वैसे भी उनको बहुत पसंद आएगा और आप भी इसको इंजॉय कर सकते हो। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। काफ़ी सिंपल क्विक बनने वाली ये रेसिपी है। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप हर वीक ऐसे रेसिपी वीडियोस और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपको बता दूं कि दलिया बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए ही खाना बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है, बहुत एनर्जी देता है बॉडी को। और जब इस तरीके से दलिया बनाया जाता है जहाँ आपने बहुत सारी वेजिटेबल्स भी ऐड कर दी तो बच्चों को पता भी नहीं चलता कि उनको छुपा के क्या दिया जा रहा है और वो इसको बहुत इंजॉय करते हैं, रिलिश करते हैं। आप दलिये का मीठा फॉर्म भी बना सकते हो, उसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पे, और अब हमने आपको नमकीन फॉर्म भी बता दिया है। जितनी मर्जी चाहे इसमें वेजिटेबल्स डालो। अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो वेजिटेबल्स को आप अलग तरह से डाल सकते हो, यानी घिस के डाल सकते हो, तो और आसान होगा बच्चे के लिए खाने के लिए। कंसिस्टेंसी जैसे कि मैंने पहले बताया, आप इसको जितना पतला रखना चाहे रखो ताकि बच्चे के लिए खाना और आसान हो जाए। जब कोई घर में बीमार भी होता है तब भी उन्हें एक इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए आप ये रेसिपी बना सकते हो तो उन्हें काफी अच्छा लगेगा। तो विद दैट सेट, इस वीडियो को करते हैं खत्म और इंतजार करेंगे आने वाले वीडियोस का, जिसमें आप हमें देखोगे और हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करोगे।